102 की अनुच्छेद 102 की। काफी दिनों से ये सुर्खियों का विषय बना हुआ है। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा राहुल गांधी पर अनुच्छेद 102 ई का प्रयोग किया गया और उन्हें अयोग्य ठहराया गया। कहने का मतलब यह है कि वो संसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर संसद की बात करें तो संसद के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) का प्रयोग करते हुए राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया। ऐसा क्यों करना पड़ा, कारण क्या है? तो 23 मार्च 2023 को सूरत अदालत के द्वारा राहुल गांधी को मानहानि के केस में अयोग्य ठहराया गया था और अगले ही दिन मतलब 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय के द्वारा अनुच्छेद 102 ई का प्रयोग करते हुए राहुल गांधी को सांसद के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। अगर बात करें राहुल गांधी की तो राहुल गांधी वर्तमान में वायनाड केरला के अंदर, केरला का जो निर्वाचित क्षेत्र है, सांसद निर्वाचित क्षेत्र, वहां से सांसद है। राहुल गांधी पर 102 ई का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 102 ई जो है वो भारतीय संसद के अंदर, भारत का जो संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 102 जो संसद है उसके अंदर जो सांसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा, उनको अयोग्य ठहराने से संबंधित ये अनुच्छेद 102 है। कब हम किसी सांसद को अयोग्य ठहरा सकते हैं? नंबर एक, अगर वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर काम कर। नंबर दो, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। नंबर तीन, कि यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया। नंबर चार, उसने अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दी है, मतलब वो विदेश में जाके शिफ्ट हो गए और भारत की नागरिकता को उसने त्याग दिया। नंबर पांच, और अनुच्छेद 102 ई इसका प्रयोग करते हुए ही जो लोकसभा अध्यक्ष है उसने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया है 102 ई का प्रयोग करते हुए। 102 ई ये कहता है कि अगर कोई भी सांसद किसी केस के अंदर मानहानि के केस में अयोग्य हो जाता है तो वो इस संसदीय प्रक्रिया के अंदर संसद का मतलब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, संसद का चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा। 102 ई का कहने का मतलब यही। इसके तहत अगर देखें तो राहुल गांधी सजा पूरी होने तक 6 वर्ष तक संसद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, इसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की गई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। बाकी जो मामला है लोकसभा की तरफ से ये सेट कर दिया गया है, राहुल गांधी जो कांग्रेस के बागडोर उनके हाथ में है, पहले ये पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो और ये कोई सामान्य नाम नहीं है, जाना माना नाम है, सब आप परिचित हैं, उस पर ये केस दर्ज किया गया है। क्यों किया गया है, कारण क्या है, वो तो आप न्यूज में बदो देखते रहते हैं। ये 102 अनुच्छेद को लेकर मैंने आपके साथ थोड़ी डिटेल से बात की है। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ।